वेलकम टू जी के करेंट अफेयर पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका क्या मिस्टेक होगा तो क्या करना होगा, या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं एग्ज़ाम्स में और क्या केयरफुल सावधानियाँ रखने होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपका डॉक्यूमेंट में सीधा सीधी मार्क्स, यदि आपका मार्क्स 70 है, आपने यदि मार्क्स 90 कर दिया है, उस बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बट यदि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो वहाँ चेक वेरीफाई होता है, आपका मार्क्स यदि ज़्यादा उधर उधर एक मार्क्स दो मार्क्स चलता है, यदि 20 मार्क्स 25 मार्क्स के आसपास ज़्यादा है, तो आपको यहाँ एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो भी आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि 2 फरवरी के बाद बने होंगे, वो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। इसीलिए आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट 2 फरवरी के पहले वाले होंगे, वही आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर ही चलेंगे, वरना वो लोग आपका वो रिजेक्ट कर देंगे और आपको वहाँ से चले जाना होगा। इसलिए आपका एकदम सावधानीपूर्वक सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपना ले जाए, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, और साथ में 3 कॉपी ई एडमिट कार्ड के जीरोक्स ज़रूर से ले जाए। और फ़ोटो जो रहता है, फ़ोटो आप ले लीजिएगा, कम से कम 10-12 या अपने हाथ में रखना चाहिए। और फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, ना कि वाइट। यदि आप लोग वहाँ पर ही एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, फिर मेडिकल में जाते हैं, यदि आपका बैकग्राउंड वाइट रहेगा, तो आपको फिर से वहाँ पर ही फ़ोटो खिंचाने बोलेगा। इसलिए आप लोग अपना घर से केयरफुल रहना चाहिए। तो इसलिए आज का ये पॉइंट मैं बतलाता हूँ आपको, एग्ज़ाम का 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। आप लोग टाइम से रहिएगा तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट रहेंगे, सेंटर पे टाइम से पहुँच जाइएगा सही डेट एंड टाइम को। वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी प्रूफ हो सकता है जिसमें आपका तस्वीर लगा हो, और आपके ई एडमिट कार्ड रहना चाहिए अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। फोटोग्राफ शुड हैव ब्लू बैकग्राउंड, फोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड में रहना चाहिए। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज अ एडवर्टाइजमेंट, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, 10-12 मार्कशीट, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ई एडमिट कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है कि आपको ले जाना ही है। यदि आप लोग इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ते हैं, तो यह आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर द चेंज, आपका एग्जामिनेशन सेंटर और एड्रेस चेंज नहीं होगा। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अलाउड, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होगा। आप अपना बैग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए और आगे बतलाता हूँ। इसके बाद आप लोगों का ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया जाएगा, जहाँ पर लिखा रहेगा कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स फेयर है, उसमें से कोई अनफेयर नहीं होगा। यदि अनफेयर होगा, तो आपको किसी भी वक्त तो आपको डॉक्यूमेंट से बाहर डिसक्वालीफाइड कर दिया जा सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट सही देखिए, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सब अच्छे वैलिड फॉर्म में होना चाहिए, जो आपको कोई प्रॉब्लम आगे ना दे। इसलिए आप लोग अपना देख के जाइएगा, एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहुँचिएगा। और मैं आपको पेपर का पैटर्न और बता देता हूँ कितना इसका कट ऑफ रहता है। इसका कट ऑफ 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप 40 स्कोर करते हैं तो आपको पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। बट आपको यदि फाइनल मेरिट में आना है, तो आपको 60 के ऊपर मार्क्स लाना होगा, तभी इसका फाइनल मेरिट बनते हैं। 60-65 के आसपास इसका चाहिए, यदि फाइनल मेरिट में आपको रहना है। तो फाइनल मेरिट में रहने के, यदि आप लोग 40-42-45 स्कोर करते हैं, तो आप लोग जस्ट इसका फिजिकल और मेडिकल का एक्सपीरियंस ले पाइएगा, क्योंकि आप लोगों का ये इसका मेरिट बहुत हाई पे जाता है। रहा इसका एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा, इसका एग्ज़ाम का कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में देते हैं, कुछ क्वेश्चन हिंदी में देते हैं, और ये अपने OMR सीट पे एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो बी केयरफुल अपना एग्ज़ाम्स, ये नहीं है कि कोई भी, और कोई इसका निश्चित सिलेबस नहीं है। ये कभी 10th से देते हैं, कभी 12th से देते हैं, कभी आप लोगों के मैथ्स ज़्यादा रहेंगे, कभी रीजनिंग ज़्यादा रहेंगे। अप्रॉक्स इसमें रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ और फिजिक्स मिला के 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गए आपके। इंग्लिश, GK और ज्योग्राफी वोग्राफी के मिला के ये 80 मार्क्स का ये पैटर्न है, जो हमेशा इसका पैटर्न चेंज होते रहता है। तो आप लोगों का यह यदि वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका डॉक्यूमेंट सबसे मस्ट है, डॉक्यूमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है, तो वो लोग आपको उसी वक्त एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ही आपको वहाँ से निकाल देंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक पहुँचाइएगा। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।